सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्टेक्स वेट एडिट मॉडिफायर के बारे में। ठीक है, सो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने देखा था यूवी रैप मॉडिफायर। ठीक है, सो अब हमारे पास तीन मॉडिफायर्स बचे हैं जिन्हें हमें कवर करना है, फिर हमारे मॉडिफायर्स की पूरी सीरीज जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे वर्टेक्स वेट एडिट मॉडिफायर। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वर्टेक्स वेट एडिट मॉडिफायर होगा क्या है, ठीक है, एक्चुअली इसका यूज क्या है। तो वर्टेक्स वेट एडिट मॉडिफायर बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक मैश होता है, ठीक है, जिसका हम एनिमेट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमें क्या है, कभी कभार वेट डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। लाइक सपोज हम एक क्लोथ का एनिमेशन कर रहे हैं। ठीक है, सो पहले मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। ठीक है, ये डेमो से आप समझ जाओगे ट्यूटोरियल से कि एक्चुअल कैसे होता है वर्टेक्स वेट एडिट मॉडिफायर। सपोज हमारे पास एक प्लेन है, मेगा एडिट मोड में, और मैंने इसको किया सब डिवाइड। आप नंबर ऑफ सब डिवाइड आपके सीपीयू की कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 20, लेट्स से 25 एंड अब मैं जाऊँगा हमारे वेट पेंट में। ठीक है, और यहाँ पे मैं वेट पेंट करूँगा। ठीक है, एजेस पे कुछ इस तरह से, ये मैंने किया वेट पेंट। ओके, ये किया वेट पेंट, ये वेट पेंट। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ मैंने वेट पेंट किया है, ठीक है, वो जो पार्ट है उस पर एक वेट हो और वो जो है क्लोथ के एनिमेशन के साथ रिमूव ना करे। ठीक है, एक स्टैटिक पोजीशन हो उसकी, एक कांस्टेंट पोजीशन। ठीक है, सो मैं वो करना चाहता हूँ। राइट, तो मैं अब इस पर अप्लाई करूँगा हमारा क्लोथ मॉडिफायर। उससे पहले हम इसका वर्टेक्स ग्रुप का कुछ नाम दे देते हैं। वर्टेक्स ग्रुप का लेट सपोज मैं नाम देता हूँ वर्टेक्स वेट एडिट मॉडिफायर। एंड अब हम जाते हैं हमारे क्लोथ एनिमेशन में। करेक्ट, सो अब आप देख सकते हो कि जैसे मैंने एनिमेट किया इसे, राइट, जाएंगे शेप्स में, ठीक है, ये हमारे पास क्लोथ का मॉडिफायर का सारी जो चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी प्रॉपर्टीज में। ठीक है, फिजिक्स प्रॉपर्टीज में। सो आपको जाना है शेप में, शेप में जाके आपको वो जो हमारा वर्टेक्स ग्रुप है वो हमें सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। ओके, और अब अगर मैं एनिमेशन प्ले करूँ तो आप देख सकते हो कि जहाँ पर हमारे वेट पेंट है वहाँ पर जो है मूवमेंट नहीं हो रही, वो एक स्टैटिक पोजीशन, एक फिक्स पोजीशन, एक कॉन्स्टेंट पोजीशन पे। ठीक है, और अदर जो रिमेनिंग पार्ट है वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, वेवी फॉर्म। ओके, सो इसलिए हम जो है हमारा वर्टेक्स वेट एडिट मॉडिफायर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम समटाइम्स हमने पेंट तो कर दिया बट हमें इस वेट को कंट्रोल करना है। राइट, इसका रेडियस एंड इसका थ्रेशहोल्ड। ठीक है, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस मॉडिफायर का, पर्टिकुलर मॉडिफायर का यूज़ करते हैं। राइट, ठीक है, ये आप कुछ इस तरह से देख सकते हो ऑब्जेक्ट मोड में। ठीक है, आप यहाँ से जो है टेक्सचर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो ताकि आप किस हिसाब से जो एनिमेशन शो हो प्रॉपर विजिबिलिटी के साथ। ये मैट कैप, वो इसे आपको एक प्रॉपर विजिबिलिटी मिलेगी कि किस तरह से जो है एजेस होल्ड हुए हुए हैं, हर एजेस होल्ड हुए यानी यहाँ पे सर्कल हमारा होल्ड हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस पे हम कैसे अप्लाई करेंगे हमारा वर्टेक्स वेटेड मॉडिफायर। सो आपको कुछ नहीं करना है, अगेन आपको वर्टेक्स वेटेड मॉडिफायर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और वर्टेक्स ग्रुप में हमें वही वर्टेक्स ग्रुप सिलेक्ट करना है जो हमारे पास ऑलरेडी है कुछ इस तरह से। राइट, और अब मैं जाऊँगा हमारे वेट पेंट में वापस से। आप ऑब्जेक्ट मोड में भी कर सकते हो बट वेट पेंट में आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जैसे जैसे मैं अभी यहाँ पे थ्रेशहोल्ड या वेट इसका डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ वैसे वैसे इसके मूवमेंट में जो है डिफरेंस आ रहा है। राइट, कुछ इस तरह से। राइट, जी ठीक है, ये सो यहाँ से हम वेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसका। ऑल्सो फॉल ऑफ पे हम जो यहाँ पे इसकी प्रोपोर्शनल एडिटिंग भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मैंने ग्रुप ऐड किया एंड इसका थ्रेशहोल्ड इंक्रीज कर दिया एंड अगर मैं फिर से एनिमेशन प्ले करूँ तो ये कुछ इस तरह से जो है प्ले होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप रेंडमाइज भी कर सकते हो जिससे इसका वेट रेंडमाइज हो जाएगा। सो ये सारे प्रोफेशनल एडिटिंग के फीचर्स आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे, शार्प एंड स्पीयर। ठीक है, एंड ग्रुप में एडिशनल फंक्शनलिटी थ्रेशहोल्ड आप यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर पाओगे। ठीक है, ये आपको वेट पेंट कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितनी सॉलिडिटी, कितना जो है उसका रेडियस होना चाहिए, ओवरऑल ब्लर कैपेसिटी, सो आप यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर पाओगे। राइट, कुछ इस तरह से। सपोज ये मैंने इसको दिया, सो यहाँ पर जो है जो येलो कलर है वहाँ पर हमारा जो फ्लो है वो कुछ ज़्यादा है एंड ब्लू ग्रीन पे थोड़ा कम, ब्लू पे कम और रेड पे बिल्कुल कॉन्स्टेंट। ठीक है,
इस तरह से आप इसके फीचर्स जो है, ऑल्सो आप इस पर टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो वाइट एक्स ग्रुप सिलेक्ट करके यहाँ से। ऑलराइट, सो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप जो है एक कॉन्स्टेंट जो है वर्टेक्सेस ब्लॉक कर सकते हो एंड ओवरऑल फ्लो देख सकते हो आपकी क्लोथ एनिमेशन या आप जो भी मैश रेंडर कर रहे हो। ओके, ये अब यहाँ पर मैंने जो रेड हमारा कलर था उसको मैंने थोड़ा इसकी विजिबिलिटी मैंने थोड़ी कम कर दी, तो आप देख सकते हो कि वो हल्का सा वहाँ से भी जो है थोड़ा अब फ्लो हो रहा है, राइट, या थोड़ा मूवमेंट कर रहा है एक सेंटर से। ये था हमारा वर्टेक्स वेरिएटेड मॉडिफायर। आप होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिलीवरी प्रैक्टिसिंग।